ज्यादा ही खूबसूरत शाम अब रात की जानिब गामजन होने लगी है, लेकिन गुरुद्वारे की जो रौनक है वो बढ़ती जा रही है और हम देख ही रहे हैं जहाँ पे लोगों ने इनफरादी तौर पर इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन एक बड़े लंगर खाने का इंतज़ाम भी किया गया है जो कि गुरुद्वारे की जानिब से है। वहाँ भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी रात ये मनाजिर ऐसी रहेंगे, लोग इबादत भी जो है लोगों की जानिब से होती रहेंगी, साथ ही साथ लंगर भी बढ़ता रहेगा और साथ ही साथ लोगों की जो बड़ी तादाद है जो कि ना सिर्फ मुल्क से आए हैं बल्कि बहुने मुल्क से आए हैं, भारत से आए हैं, यूरोप से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, पूरी दुनिया से आए हैं। हम आपको लंगर खाना भी दिखाएंगे, अंदर के मनाजिर भी दिखाएंगे और उन लोगों से आपको मिलवाएंगे भी जो कि अपने अपने अंदाज में अकीदत का इजहार करने के लिए ख़ास तौर पर इस खूबसूरत मेले का हिस्सा बन रहे हैं। जी हाँ जी, लंगर के मुख्तलिफ और रवायती रंग जारी और सारी हैं। अभी हंस राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से भी है, सिंध से भी है और वो कुछ तल रहे हैं, कुछ लंगर का खास इंतज़ाम किए हुए हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। ये क्या बना रहे हैं आप? अजी सेवा करने, पकौड़े भी बनाने, ब्रेड भी बनाने, जलेबियाँ भी होंगे, सारी चीज़ें, मिठा सब कुछ इसी जी बाबे के लंगर चल रहे हैं। अच्छा। साढ़े बाबे नानक जी का 200 रुपये का लंगर है वो चल रहा है बाबा जी का, ते बाबा जी दे लंगर दे विच किसी चीज दी कमी नहीं गा। कमी नहीं है, ज्यादा लोग जब आते हैं क्या फरमाइश करते हैं? बस सादा तर आंदे बाबा जी दे लंगर खांदे, जितना भी होवे बस खांदे जुलदे, बाबा दे लंगर दे विच कोई कमी नहीं है। अच्छा, इन बहुत साल हो गए, याद भी नहीं आपको कितने साल हो गए। इस दफा जो इंतजामात किए हैं हुकूमत की जानिब से उसमें आप मुतमईन हैं? बहुत ही शानदार इंतजाम किया गया है लंगर का, हर चीज का बहुत अच्छा इंतजाम किया हमारे हुकूमत ने, हमारे पाकिस्तान की हुकूमत को अल्लाह बहुत तरक्की देवे। जी हाँ, तो कुछ इंटरनेशनल यानी मजीद इंटरनेशनल विजिटर्स ने हमें ज्वाइन किया है। अभी एक फैमिली जो कि ख़ास तौर पर मलेशिया से आई है, उसका ताल्लुक बैंकॉक से है, थाईलैंड से है, मलेशियन ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं आप? मिसिस दलीप सिंह। ठीक है, मिसिस दलीप सिंह। कहाँ से आई हैं? मैं बैंकॉक से आई हूँ, थाईलैंड से। मेरे हस्बैंड मलेशियन है, ठीक है, लेकिन हम सेटल बैंकॉक में हो। बैंकॉक में सेटल है। तो पहली दफ़ा आप पाकिस्तान में आएंगे? नंकाना साहब, पाकिस्तान पहली दफ़ा है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हम सारी उम्र ना प्रेयर में बोलते थे कि हमको ये स्थान, ये प्लेसेस का दर्शन मिले। अच्छा। वो मिल गया। अच्छा। सबसे बड़ी बात है, ठीक है। बाकी पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े सिंसियर हैं, बहुत हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। फिर हमारा लैंग्वेज एक है, डीएनए एक है। इसके लिए एक और खुशी है ना, हम लोग घर में ARY और हम बोलते हैं। अभी हमको ये नया चैनल मालूम हो गया, ठीक है, डिस्कवरी पाकिस्तान। डिस्कवर पाकिस्तान पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। हाँ, ये चीज़ हम अभी रोजाना देखेंगे। अच्छा, ये चैनल मिल गया। तो जो लोग अभी तक नहीं आए उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो पैगाम देंगे जरूर आओ, हम इतनी उम्र में एक बार आए हैं, आप जल्दी आओ कि 2-3 बार आ सके। ठीक है। अच्छा, आपके एक और फैमिली मेंबर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी कुछ बात करते हैं। आप, इन्होंने तो पाकिस्तान का झंडा भी लगाया हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका क्या नाम है और आप कहां से आए? मेरा नाम जसवीर सिंह है, मैं मलेशिया तो आया, मेरी पैदाश भी मलेशिया हुई है। ठीक है, तो तुसी पहली दफा पाकिस्तान आए हो। हाँ जी। तो पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है? एक्चुअली सानू हैरानगी की गल है कि पाकिस्तान इतना डेवलप्ड कंट्री है। हां, असि बुका च पढ़दे के इतना डेवलप्ड नहीं हैगा। अच्छा। बट एक्चुअली इन फैक्ट दे आर वेरी क्लीन, क्लीन इन सर्टेन प्लेसेस। अच्छा। ते बहुत सुंदर है, ते असि 2-3 जगह भी गए हैं। अच्छा। महाराजा रणजीत सिंह फोर्ट गए हैं, ते उधर गए हैं, बहुत कुछ नॉलेज मिली है। अच्छा। जरा सानू असी बुका विच नहीं से पढ़ सकते। अच्छा, यहाँ आगे। अच्छा, मेले की खास बात क्या है? मेला आपने पूरा देखा है, तो थोड़ा जरा मेले के बारे में भी बताएं जो हमारे नाज़रीन देखने वाले। एक्चुअली हैरान की थी ये गल है कि ना जिस हिसाब ना संगत आंदी है, लोग आंदे ने इतने दर्शन कर, माहौल इस तरह बनया कि बहुत जिस तरह ना दिल खुश हो जाता। बिल्कुल। हाँ जी।